अस्सलाम वालेकुम। अभी हम A27 कोर्स को हायर एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसको जो कि आपकी STE में भी आ सकता है। दैट इज रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान। सबसे पहले बात करते हैं कि हायर एजुकेशन से क्या मुराद है। हायर एजुकेशन से मुराद आपकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दी जाने वाली एजुकेशन है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, BS प्रोग्राम्स और मास्टर्स प्रोग्राम और MPhil और PhD प्रोग्राम शामिल है। एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैज बीन विटनेस्ड बाय हायर एजुकेशन पाकिस्तान इज द मशरूमिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। These institutes have brought in their financial resources generated through private donations of or through industrial linkages. हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ने भी तरक्की की है, और आपको हर गली मोहल्ले में प्राइवेट कॉलेजेस नज़र आते हैं। एक कुछ जो प्राइवेट कॉलेज हैं ये अपने फाइनेंसिस पे चलते हैं, और कुछ जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो डोनेशंस पे या डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज के थ्रू चलते हैं। In Pakistan, the overall regulatory body for higher education is the Higher Education Commission that was established in 2002. For the past 15 years, there has been mushroom growth of universities both in the public and the private sector in Pakistan. At present, there are 32 universities operating in Pakistan with some sub-campuses at various cities. ठीक है, अब तो 132 से भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि अब बहुत सारे कॉलेजेस को करंट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज बना दिया है, जिसकी वजह से जो है वो यूनिवर्सिटीज की स्ट्रेंथ में या तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद अलोन देयर आर मोर देन 21 यूनिवर्सिटीज, आउट ऑफ दीस 17 बिलोंग टू द पब्लिक सेक्टर, अब 17 से भी ज्यादा हैं, एंड 5 बिलोंग टू द प्राइवेट सेक्टर, और वो भी अब 5 से भी ज्यादा हैं। ठीक है, अब हम अगर आ जाते हैं कि फिलॉसफी क्या है, कि हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है, ताकि प्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। ठीक है, सबसे पहला मकसद क्या है हायर एजुकेशन का, कि कॉम्पिटेंट मैन पावर हो, एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन हो, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, परस्यूट्स ऑफ स्कॉलरशिप के लिए और रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब हम हायर एजुकेशन की पॉलिसीज एंड प्लान की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के वक्त 1 यूनिवर्सिटी और 40 कॉलेजेस थे 4 प्रोविंसेस में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1947 ने क्या फैसला किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड गाइड्स फोकस ऑन द क्वालिटी हायर एजुकेशन। 1956 की बात करें तो फोकस वाज ऑन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। 1959 की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की पावर्स जो हैं वो एक्सपेंडेड एंड अपॉइंटेड एज फेडरल कमीशन। 1960 में 912 मिलियन स्पेंट एनुअली फॉर 1960-65 कॉलेजेस इनटू फुल स्केल रिसर्च यूनिवर्सिटीज विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। अराउंड 430,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन पीरियड फ्रॉम 1960-1965। अगर हम 1965-1971 की बात करें तो देर वर 173.8 मिलियन एक्सपेंडिचर्स इंस्टेड एलोकेशन ऑफ 278.6 मिलियन, यानी कि जितना एजुकेशन का एक्सपेंडिचर रखा गया उसे बहुत कम खर्च किया गया। 1972 की एजुकेशनल पॉलिसी की बात करें तो देर वॉज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनलाइजेशन प्रोग्राम, 2 ईयर कॉलेजेस वर ट्रांसफॉर्म्ड टू यूनिवर्सिटी स्टेटस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वर नेशनलाइज्ड, स्पेंट ऑफ द 70% ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑन हायर एजुकेशन एफर्ट्स, enrollment in the universities increased to 56%. There was integration was sought for the social change and economic progress through nationalization. Yani ki kafi kuch efforts jo hain wo higher education ke liye ki gayi. 1979 mein harmonization of the Islamic concepts and the national ideology. In the 2002 there was devolution of UGC into the higher education commission. Yani ki higher education commission ka qiyam laya gaya 2002 mein. नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2009 के मुताबिक डेवलप मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन। अगर हम रोल की बात करें ऑर्गेनाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की, तो बिगन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन,
Standing committees on basic and technical education and the Higher Education Commission of Pakistan should assist these universities, both public and private sector, in establishing on-campus university community partnership centers. These centers should work on the pattern of think tanks and should advise mechanisms to address dominant social problems, prepare modules and schemes for the outreach of educational facilities and bridging linkages with the community for sharing of knowledge. ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कम्युनिटी पार्टनरशिप सेंटर्स कायम किए जाने चाहिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में. सेकेंडली, सिंस पाकिस्तान इज ए ट्रेडिशनल सोसाइटी विद डिफरेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक वेयर बाय मोर देन 30% ऑफ द पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड मोर देन 600,000 यंग ग्रेजुएट्स आर एडिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर. दीज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज शुड डेवलप terms of reference to provide financial assistance to talented individuals who otherwise cannot afford university education. सारे बच्चे university education को afford नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे जो कि ज़रूरतमंद हैं उनके लिए जो है वो scholarships establish करनी चाहिए, उनको pay करना चाहिए ताकि वो जो है अपनी education को carry on कर सकें. Thirdly, to streamline and ensure effective utilization of public funds allocated for development in higher education in Pakistan by the concerned commission and universities. The concerned ministries and planning commission should primarily focus on building grassroots level of education in primary schools, especially in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Fourth, universities should focus on creating an entrepreneurial culture among their graduates. They should produce job creators rather than producing job seekers. University ka maqsad ye hona chahiye ki wo apne students ko jo hai wo aage leke aaye, उनको हेल्प करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हासिल कर सकें, बल्कि उनको डिफरेंट किस्म की इंटर्नशिप्स यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोवाइड करनी चाहिए, डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करने चाहिए कि वो वहीं पर टीचिंग कर सकें और अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकें. फिफ्थ, एजुकेशन नेवर मीन्स टू अर्न, इट मीन्स टू स्पेंड. द बेस्ट वे टू स्पेंड इज स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन रिसर्च दैट लेटर ऑन एड्रेसेस द सोशल पॉलिटिकल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री. Universities can play a vital role in this regard through fostering reciprocal partnership with the other educational organizations and community development centers to identify real life problems. ठीक है, फिर अगर हम role of organizations की बात करें तो सबसे पहले कौन कौन सी organizations हैं. Higher Education Commission है, Ministry of Federal Education and Professional Training है, ठीक है, Pakistan Engineering Council है, National Agricultural Education and Accreditation Council है, नेशनल बिजनेस एजुकेशन एंड एक्रेडिशन काउंसिल है, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एंड एक्रेडिशन काउंसिल है, ऑफिसेज ऑफ द रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन है जो कि तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज में इस्टेब्लिश है और रिसर्च के ऊपर फोकस करती है. ये तमाम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हायर एजुकेशन में अपना रोल प्ले करती हैं. मेन फोकस ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन का क्या है, क्वालिटी एजुकेशन रिसर्च सपोर्ट इसका फंक्शन है, फंडिंग बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड नीड्स है, कॉम्प्रीहेंसिवनेस एंड नेशन वाइड इंफॉर्मेशन है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, एडवाइस फॉर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, एडवाइस फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है फॉर अवार्ड ऑफ डिग्री, असेसमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड एक्रेडिशन है, सपोर्ट फॉर द कोकरिकुलर एक्टिविटीज है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम रोल की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू सेमेस्टर सिस्टम, एंटी प्लैगरिज्म पॉलिसी, ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस जो है QEC हर यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश हैं जो कि प्लैगरिज्म को चेक करते हैं, ठीक है, थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक टर्निटिन, और जो है एंटी प्लैगरिज्म पॉलिसी जो है वो अप्लाई की जाती है. 19% से कम आपका प्लैगरिज्म होना चाहिए थीसिस का और रिसर्च का. क्वालिटी एनहांसमेंट सेल्स हर यूनिवर्सिटी में कायम है. एक्सटेंडेड इन द टर्म ड्यूरेशन ऑफ बैचलर्स डिग्री, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज में यूनिफॉर्म होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के ऊपर भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया है. ठीक है, सो ये डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के रोल हैं जो कि ये प्ले कर रही हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में.